गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंडे और अब आज बज चुके हैं 10 को 10 मिनट बाकी है, 10:15 बज चुके हैं। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है और ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा और जलेबी, ये देखिए। तो शुरुआत मेरी ब्रेकफास्ट से हो रही है और मैंने पोहा जलेबी ली है। तो ये जलेबी नाइट कल मार्केट था ना संडे के, रात को ले आए थे, फिर रात को 10 बजे हम नहीं खाते, वो रख देते फिर सोमवार को। ये जलेबी और पोहा एक नंबर लगता है। और यहाँ पे पिंकी भी खा रही है वाइट और परी भी खा रही है। परी नहा के आई है, अभी उसका पेपर है तो परी नहा के आई है और डिंकी भी नहा ली अभी पेपर। अब मुझे थोड़ी देर के बाद फिर जाना है इनके स्कूल, जो पेपर जो है ना क्वेश्चन सीट और आंसर सीट वहाँ स्कूल से लाना है और इनके पेपर चालू होने वाले, इसलिए मुझे आज जल्दी जल्दी करना है। क्योंकि अभी तक तो मतलब ऑनलाइन ही चल रही थी, लेकिन अभी उन लोगों ने बोला है कि वहाँ से फाइनल पेपर है ना ये, तो वहाँ से आंसर सीट और क्वेश्चन सीट ले आना है और यहाँ घर आके वो देंगे और फिर मुझे और वापस करने जाना है। तो ऐसे ही चलेगा और अप्रैल तक इनके पेपर एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बस जल्दी जल्दी करना है। इसीलिए मैं आज सुबह से उठी हूँ और अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। नहाने के बच्चों ने नहा लिया है और फिर मैं जाऊँगी जल्दी जल्दी है आज, क्योंकि 12 बजे से इनके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। तो फिर आपको बाद में मिलती हूँ मैं, है ना। तो अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से पेपर लेके, ये देखिए मैं थक गई हूँ। और अभी बच्चों के 12 बज चुके, बच्चों का पेपर अभी स्टार्ट होने वाला है 12 बजे से, तो अभी वो पेपर देंगे और मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए दोनों के और फीस के भी बारे में, जैसे क्लास बंद थी ना, फीस नहीं भरी थी तो फीस के बारे में भी बोलना था, तो इसलिए हम बात करने गए थे। सबको सब पेरेंट्स को बुलाए थे, आज पेरेंट्स मीटिंग की थी और आज से इनके एग्ज़ाम चालू हो गए। तो मैं आंसर शीट और क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट ये सब ले आए हैं। तो अभी डिंकी परी पेपर देंगे, फिर अभी मैं सिद्धार्थ जी भी आने वाले हैं और मेरा हाल देखे कितना ये हो गया, बहुत धूप थी। तो अभी मैं उनके लिए जल्दी रोटी बना लेती हूँ, फिर वो आ जाएंगे, फिर मैं बात करती हूँ। आज मैंने बनाई भिंडी की सब्जी, दाल, चावल, तो ये चल रहा है। और इनके पेपर है तो मैं कुछ अभी मोबाइल नहीं कुछ शूट नहीं कर सकती, क्योंकि अभी उनको इसमें से क्वेश्चन आंसर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी पढ़ाई की दूर हुई नहीं है। तो कुछ कुछ जो नहीं आएगा वो तो गूगल से निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे है ना शाम को, फिर मैं दिन भर से कुछ नहीं बनाई थी, फिर थक गई थी, बहुत दूर था तो हाथ पे दर्द हो रहे थे, और फिर मैं आराम की, फिर मैंने शाम को क्लिप बनाई। तो मैं सोचा चाय वाय से क्या डेली डेली कुछ नया लाऊँ आपके लिए, ताकि आप भी बोर ना हो, मैं भी बोर ना हो। तो यहाँ पे शाम का समय है और मैं मेथी की भाजी तोड़ रही थी और आज मैं मेथी की भाजी ही बना रही थी। और दिन में तो मैंने भिंडी, इतनी टेस्टी बनी थी भिंडी दाल चावल बनाई थी, बहुत टेस्टी लंच बना था आज का। फिर शाम को मेथी की भाजी, और कोई आया था तो मैं उनको देखने गई थी। उसके बाद है ना फिर ये देखिए मेथी की भाजी में है ना यहाँ पे ये कर रही हूँ, क्या बोलते हैं, तड़का दे मतलब बगाड़ रही हूँ मेथी की भाजी यहाँ पे, और उधर कढ़ी भी बना लूँगी आज मैं। डिनर में मैंने मेथी की भाजी मटर डाल के बनाई थी और यहाँ पे ये पक गए हैं, और इसके बाद फिर मैं है ना टमाटर तैयार कर लूँगी। और ये मेथी की भाजी तो सबको आती है, मैं एक और शेयर करूँगी आपके साथ, बेसन मेथी की भाजी बहुत टेस्टी लगती है, तो वो शेयर करूँगी। अभी सीज़न भी जाने वाला है मेथी की भाजी का, तो इसलिए हम और डिंकी परी को तो बहुत अच्छी लगती थी, डेली दो ना तो नहीं। तो इसके बाद मैंने हल्दी और ये सब डाल दिया, और ये मटर देखिए मटर भी डाल दूँगी, तो मटर से और इसमें टेस्ट आ गया, बहुत टेस्टी बनी थी मेथी की भाजी। और मेथी की भाजी तो हम लोगों को डेली भी देना, हम लोग खाते हैं, तो ये ऐसा है। तो हाँ, और इतनी सी भाजी हम लोगों के लिए हो जाती है, एक गड्डी भी हम सबको हो जाती है, क्योंकि बच्चे लोगों को ज़्यादा उतना पसंद नहीं रहता है एक रोटी के साथ। ये देखिए मेथी की भाजी में डाल दी है और ये पक जाएगी अच्छी। वो क्या है, कल मार्केट से संडे के दिन था ना, तो वो ले आए थे तो ताज़ी थी, तो मैंने सोचा कि दिन में बनाने वाली थी लेकिन थोड़ी नहीं थी। और मुझे डिंकी परी के अभी स्कूल चालू हो गए ना, तो उन पर ध्यान देना जरूरी है, और फिर वो पेपर भी देते हैं ना, तो उनके इसमें हो जाते। इसके बाद मैं है ना वहाँ पर भाजी बन रही, और फिर मैंने मेरे है ना पैर बहुत दर्द दे रहे, तो मैंने सोचा बैठ के मैं कढ़ी बगाड़ दूँ। और ये कढ़ी जो है ना, ये मैंने घी निकाल ली थी, तो वो जो मट्ठा
मठा रहता है ना, वो मठा उस दिन भी बनाई और आज का भी बचा था, तो उसका मैं एक बार और दो बार मैं कढ़ी बना ही लेती हूँ। जब मैं घी निकालती हूँ ना, तो थोड़ा सा उसमें मलाई में भी डाल देती हूँ और बाकी दो बार कढ़ी बना लेती हूँ। तो ये कढ़ी बघार दे रही हूँ, कढ़ी मतलब पतली कढ़ी, जो भजे वाली नहीं, पकौड़े वाली नहीं ये। और ये जो आपको क्लिप दिख रही ना, ये संडे की क्लिप है, रात को 10 बजे ये मार्केट से लाए थे, तो मैंने उस दिन एडिट करना भूल गई थी। तो ये मैं ये सब पालक वगैरह सब ले आए, गाजर वगैरह, तो गाजर का हलवा मैं शेयर करूँगी आपके साथ कल, लेकिन आज नहीं बनाई मैं ट्यूसडे को, तो ये कर रही थी। उसके बाद मैंने डिनर विनर सब कर लिया और यहाँ पे डिंकी साइकिल चला रही, तो ये साइकिल देख रही थी, इसके पापा ने सुधार के लिए आए, वो टायर है ना नया, तो बहुत अच्छा था। तो डिंकी है ना, रात को अभी लगता है गर्मी आ गई है, तो हम लोग है ना यहाँ ठहर रहे थे। और ये देखिए लाइटिंग वगैरह सब, शॉप बंद हो गई थी, 10:30 का समय है जब हम खाना खाने के बाद घूम रहे थे सब लोग। तो ये सिद्धार्थ जी भी थे और डिंकी बोल रही थी मैं आज साइकिल चलाती हूँ, तो मैंने कहा चलो चला, और हम घूम रहे थे, परी भी घूम रही है और सिद्धार्थ जी वीडियो बना रहे थे। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। और है ना बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो ये देखिए ये शाम का समय है, रात का समय 10:30 का, तो आज गर्मी टाइप का लग रहा था थोड़ा सा, तो ऐसा लग रहा था कि चलो बाहर घूमते हैं, नहीं तो हम वैसे रात को निकलते नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए हमारे अंदर का, ये मेरा बोर्ड है पार्लर का, और यहाँ पे जो अंदर का है गेट के अंदर का, और हम गेट के बाहर रोड पे हमारे इसमें जो रोड है ना शॉप के पीछे का जो ये है, तो वहाँ पे हम घूम रहे हैं। इस समय गाड़ी वगैरह नहीं आती है, तो कोई डर नहीं रहता है सब, तो इसलिए आजकल सर जल्दी जल्दी शॉप बंद हो रहे, तो आपको दिख ही रहेगा ना वहाँ पे शॉप है पूरी लाइन में, तो अभी बंद हो गए, तो बच्चे टहल रहे हैं, तो टहलते टहलते हम मज़ा भी ले रहे हैं खाने का। तो डिंकी बहुत जम जम के, और ये देखिए मेरा फ्लावर कितना सुंदर, अभी दूसरे गमले में आया है, तो उसमें एक साथ दो बार आ गए हैं, और ये जाली जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और पूरे गमले में फ्लावर आए हैं। तो ये भी सिद्धार्थ जी ने क्लिप कर ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर लूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल दिन बाय बाय, टेक केयर। तो सिद्धार्थ जी भी घूम रहे हैं यहाँ पे, तो आप भी घूमिए हमारे साथ। बाय बाय।